जगदीश के सानिध्य में बिखरेगी कला की छटा, सहस्त्रधारा में चांदनी रात में होगा नाट्य समारोह। जिले के मुखिया डॉक्टर जगदीश चंद्र जटिया की पहल और प्रयासों से इस साल 12 एवं 13 अक्टूबर को सहस्त्रधारा में आयोजित होने वाले शरद महोत्सव में एक अलग ही अंदाज नजर आने वाला है। वहीं यह आयोजन इस लिहाज से भी खास होने वाला है क्योंकि नृत्य कला का प्रदर्शन ख्याति प्राप्त कलाकारों के द्वारा किया जा रहा है। किसकी तैयारियों पर जगदीश चंद्र जटिया ने मीडिया टुडे से बताया कि शरद उत्सव का आयोजन जिले के पर्यटन विकास में भी सहयोगी होगा। दो दिवसीय इस शरद महोत्सव 2019 के आयोजन को सफल बनाने के लिए उन्होंने जनता के सक्रिय सहयोग को भी आवश्यक बताया। वही कलेक्टर ने शरद महोत्सव के आयोजन के लिए प्रशासन द्वारा की जा रही तैयारियों की जानकारी दी और जनता को भी अधिक से अधिक संख्या में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की है। डॉक्टर जटिया ने शास्त्रीय नृत्य कुचिपुड़ी एवं भरतनाट्यम के बारे में भी विस्तार से बताया, साथ ही प्रस्तुति देने वाले कलाकारों एवं उनकी उपलब्धियों की विस्तार से जानकारी दी। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश एवं भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य की नृत्य कला है, जिसे सहस्त्रधारा के प्राकृतिक वातावरण और चंद्रमा की रश्मियों में दर्शकों के लिए पेश किया जाएगा। शास्त्रीय नृत्य की प्रस्तुति ख्यातिलब्ध कलाकार अयाना मुखर्जी एवं आरोही मुंशी द्वारा दी जाएगी। उन्होंने बताया कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का राज्य स्तरीय नृत्य है, साथ ही भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का नृत्य है। दोनों ही नृत्य अपनी विधा में अलग है। शरद महोत्सव 2019 में कुचिपुड़ी नृत्य की प्रस्तुति अयाना मुखर्जी द्वारा दी जाएगी। मीडिया टुडे कपिल वर्मा की रिपोर्ट। शरद उत्सव को लेकर के सहस्त्रधारा में आयोजन है, तो उसको शरद उत्सव सहस्त्रधारा कहा गया है। वहाँ पर आज पहली बार होना है, तो शुरुआत में हम पहले दिन 12 तारीख को कुचिपुड़ी नृत्य रखेंगे। कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश से निकला है और इसके परफॉर्मर जो है वो अयाना मुखर्जी होंगे। ये 16 साल से इस नृत्य को सीख रही हैं और इन्हें विभिन्न जगहों पर पुरस्कार मिले हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कलाकार हैं, कई देशों में उन्होंने परफॉर्म किया है। दूसरे दिन अर्थात 13 तारीख को जो जिस दिन शरद पूर्णिमा है, उस दिन भरतनाट्यम का कार्यक्रम होगा। उस भरतनाट्यम कार्यक्रम के बाद में गजल गायकी होगी। भरतनाट्यम में जो है वो आरोही मुंशी पार्टिसिपेट करेगी, वो अपना परफॉर्मेंस देगी। और उस बाद जो गजल का कार्यक्रम है, नितिन प्रदीप अग्रवाल जो हमारी प्रदेश के हैं, रेडियो और टीवी के कलाकार हैं, ये अपना परफॉर्मेंस देंगे। कोशिश है कि शहर को एक ऐसा उत्सव यहाँ जिले में होना चाहिए जो सहस्त्रधारा में, सहस्त्रधारा बहुत प्रसिद्ध स्थान है, लोग दूर दूर से देखने आते हैं, लेकिन वहाँ पर रात में पहुँचने के साधन भी नहीं है, रात वहाँ अंधेरा बना रहता है। तो इस बार हमने कोशिश की है कि स्ट्रीट लाइट भी हम वहाँ तक पहुँचाएँ और इस कार्यक्रम को वहाँ दिखाएँ। जनता से आपके माध्यम से मैं अपील करना चाहूँगा कि वे अधिक से अधिक संख्या में पहुँचें और इस कार्यक्रम को देखें।